तो कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अधिवेशन स्थल का जायजा लिया। तैयारियों का जायजा लेने के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत भी की है, सुनिए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी हैं, लगातार हम तैयारियों के बारे में दिखा रहे हैं। पहले आपसे ही बातचीत कर लेता हूँ, फिर आ रहा हूँ मैम के पास। तो आप लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है मरकाम साहब? तैयारियां पूरी हो गई है, भव्य तैयारी है और पूरी देश की नज़र इस अधिवेशन को लेकर है और हम छत्तीसगढ़ वासी पूरे देश के हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार करने में है और इस आयोजन से देश की दिशा बदलने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी विचारधारा के साथ साथ हम आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक नीतियाँ, हमारी विदेश नीतियाँ, हमारी और अन्य नीतियाँ क्या होगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके आने का सिलसिला कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन कब कब? 23 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, लगभग 4 बजे आ रहे हैं। तो हम लोग एयरपोर्ट से मेफेयर तक भव्य हम स्वागत करेंगे। उसके साथ साथ राहुल गांधी जी 24 तारीख को आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी 25 तारीख को आ रहे हैं, सभी नेता हमारे आ रहे हैं। तो गांधी जी का भी कुछ आने का तय हो पाया है अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर? उसके बारे में जानकारी नहीं, मगर हमारे तीन नेताओं का आने का मतलब प्रोटोकॉल लगभग फाइनल हो गया। तैयारियों से संतुष्ट जी? जरूर संतुष्ट है और कोशिश कर रहे हैं इस भव्यता और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे, ये हम लोगों का प्रयास है। तो मरकाम साहब जो है बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, विभिन्न सत्रों में जो है विदेश नीति पर, अर्थ नीति पर, कृषि नीति पर, जो है युवा नीति पर, उस पर बातचीत होगी और कांग्रेस के जो वीआईपी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके आने का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आने के साथ और उनके भव्य स्वागत की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर ली गई है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभूषी पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।